मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ। हमको होमवर्क दिया जाता था, ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए, वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिखकर लाऊंगा, माने निबंध लिखकर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिखकर लाओ, तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया, मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए और इनमें से ये हमने खाया, दूसरों को खिला, ये सब लिख के लाओ। तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए हमने पूरी शिक्षा तैयार की है। माफ करिएगा, आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था है ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोक्ता बनाती है। वो चाहे लक्स का हो या लाइफ बॉय का हो या कैडबरीज का हो या नेस्ले का हो। और मैं ऊंची शिक्षा की भी बात कर रहा हूं, ऊंची कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है माध्यमिक स्तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये शिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है। बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है। जब बचपन की शिक्षा है वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है, और हायर एजुकेशन है वो किसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की, उसका कंज्यूमर बनाने के लिए हमको शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग में हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि ये विद्यार्थी भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, फिर वहां पर सेवाएं दे, क्योंकि वहां एक इंजीनियर तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है।